नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल में नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसी के एक नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं, क्या क्राइटेरिया है, कब लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है और कब पेपर होने की संभावना है, सारी बात करेंगे इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड छोटे से लेके छोटी और बड़ी से लेके बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी की जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 54 पोस्ट, 54 पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 31 पोस्ट हैं, 31 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी की 11 पोस्ट हैं और एससी की 9 पोस्ट हैं, एसटी की 3 पोस्ट हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पोस्टें रहेंगी उनका जो पे लेवल रहेगा वो लेवल 7 रहेगा, 7 CPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिम्स कॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मणिपुर या इम्फाल में है ये। और बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो इस वैकेंसी में जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की जो फीस है वो होगी ₹500 पीस होगी, और एससी ओएसटी उनकी कोई पीस नहीं होगी, वो एग्जेम्प्टेड है इस पीस से। वो ₹500 वो बैंक बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल के नाम से, और या आप अगर इम्फाल में जहाँ डायरेक्टर ब्लॉक है, ए ब्लॉक सॉरी ए ब्लॉक में आप सीधे कैश देके भी रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2023 से 28 मार्च तक आपको फॉर्म भेजने होंगे रिम्स इम्फाल में। वो ये एक ऑफलाइन तरीके का फॉर्म भरा जाएगा, मैं आपको भी फॉर्म भी शो कराऊंगा कि फॉर्म कैसा होगा, किस तरीके से भरना है, सारी बात उसमें आपको अटेस्टेड भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी के जो एज क्राइटेरिया वो है 18 से 35 साल नॉर्मली, और जो रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल में काम कर रहे कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए लेगा 45 साल लास्ट, और ओबीसी वालों के लिए रहेगा 48 साल, और एससी एसटी अबोव रहेगा 50 साल, ठीक है। ये सारी बात हो गई इसकी वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल वालों ने निकाला है, नरोम इंद्र कुमार सिंह ने, 6 मार्च 2023 को, ठीक है। ये हो गया पूरा आपको एडवर्टाइजमेंट, और ये तारीख इधर लिख रही है इम्फाल 6 मार्च 2023। तो बात करता हूँ मैं अब इसके फॉर्म कैसा फॉर्म भरना है आपको। ये फॉर्म भरना है इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स रिम्स इम्फाल। तो इसमें आपको सबसे पहले फुल नेम इन ब्लॉक लेटर बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है, फिर आपके फादर का नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर कैटेगरी कौन सी और लिखनी है, जेंडर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, टेलीफोन लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटे जो क्वालिफिकेशन है वो लिखना है आपको कि आपने कॉलेज का स्कूल कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से की, तो वो सारी लिख के अगर आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं, डिवीजन कौन सा है, एग्जामिनेशन पास ईयर कौन सा है, एमओ एंड बोर्ड ऑफ काउंसलिंग यूनिवर्सिटी का क्या नाम है या कॉलेज या स्कूल का क्या नाम है, ये सारा फॉर्म फिल करके फिर आपको इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो एनओसी का वो सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। अगर आप एनओसी के सर्टिफिकेट रिजन नहीं कर रहे हो तो आपको पीछे रीजन भी देना होगा कि हमने क्यों सर्टिफिकेट अटैच क्यों नहीं कर रहा हो, क्योंकि कोई कई कई होते हैं जो 1 महीने से पहले एनओसी देते नहीं है या 1 महीना टाइम लग जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि इतना टाइम लगने की वजह से एनओसी नहीं दे सकते या हॉस्पिटल। तो फिर आपको इसमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पे स्टेशन लिखना है कौन सा स्टेशन आप मतलब जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वो, और यहाँ पर डेट लिखनी है आपको कौन सी डेट को आपने फॉर्म भरा है,
या फिल किया है, और फिर इसको आपको रिम्स इम्फाल के नाम से भेजना होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। और ये 28 मार्च से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, और अगर नहीं पहुंचता है तो रिजेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच। आप इसी प्रकार की न्यूज़ हमारे चैनल पर पा सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। थैंक यू।